नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड सिस्टम ऑफ पुलीज के बारे में। पहले हमने डिस्कस किया था फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली का एक और एग्जांपल डिस्कस किया था, लेकिन आज हम उसका एग्जांपल दूसरा डिस्कस करेंगे, तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो सेकंड सिस्टम ऑफ पुली के अंदर क्या है, देखिए पहले हम इसकी फिगर को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए तीन पुलीज हैं जो अपर ब्लॉक में फिक्स हैं, और यहाँ पर ये फिक्स हैं, ये तीनों ही फिक्स हैं। यहाँ पे देखिए ये जो सपोर्ट है इसके साथ इसको अटैच कर दिया गया है, जो अपर ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है अपर ब्लॉक है जिसके साथ ये तीन पुली लगी हैं और इनको फिक्स कर दिया गया है। तो अपर ब्लॉक के अंदर भी तीन पुली हैं और जो ये लोअर ब्लॉक है इसके अंदर भी तीन पुली हैं। अब जो इनका डायमीटर है वो अलग अलग है तीनों पुली का, देखिए ये स्मॉल है, ये उससे लार्ज है, ये उससे लार्ज है। इसी तरह से जो लोअर ब्लॉक के ऊपर है ये स्मॉल है, ये उससे लार्ज है, ये उससे लार्ज है। तो इस तरह से इनकी अरेंजमेंट की गई है। यहाँ पे हुक के थ्रू रोप को इस छोटी पुली से गुजार के फिर सारी जो पुलीज हैं उनके ऊपर से उसको गुजारा गया है, और एक ही रोप है ये सारी। तो यहाँ पे एफर्ट अप्लाई किया गया है पी, तो पी क्या है, हम करेंगे एफर्ट को अप्लाई। तो एफर्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो टेंशन पैदा होगी यानी कि जो टी पैदा होगी, तो उसको हम लिख सकते हैं, टेंशन को टी हम लिख देते हैं। तो अब देखिए एक ही रोप है तो सारी रोप के अंदर टी ही पैदा होगी, यानी कि टेंशन को डिनोट करेंगे सिर्फ टी से। और यहाँ पे जो लोअर ब्लॉक है यहाँ पे हमने लोड को लगाया है डब्ल्यू, जो कि लिफ्ट करना है। तो ये फिक्स है, तो जब हम एफर्ट अप्लाई करते हैं तो वो जो फिक्स पुली होती है वो क्या करती है, सिर्फ एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करती है। तो पी जब हम अप्लाई करेंगे तो टी की जो लोड लिफ्ट होगा ऊपर की तरफ होगा, तो यानी कि जो पी है वो एफर्ट की डायरेक्शन को उल्टी करेगी, सिर्फ जो फिक्स पुली का ये काम होता है। और जो मूवेबल पुली होती है वो क्या करती है, एफर्ट को डबल करती है, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इसका जो वेलोसिटी रेशो है और जो हमें मैकेनिकल एडवांटेज है, दोनों चीज़ें निकालनी है। तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो हमने इसका निकालेंगे। तो इसके अंदर देखिए जब हम एफर्ट अप्लाई करेंगे तो ये जो है मूवेबल पुलीज हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे यानी कि देखिए हमने इसका क्या किया, यहाँ से हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ से इसको काट लिया और यहाँ पर हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, एक दो तीन, ये तीनों पुली लोअर ब्लॉक की हमने बना ली जिसके साथ ही लोड डब्ल्यू है लटकाया हुआ है। अब देखिए ये जो लोड है इसको कितने सेगमेंट सपोर्ट कर रहे हैं इस रोप के, तो देख लेते हैं। तो एक सेगमेंट हो गया, इसको लिख लीजिए आप टी, और ये भी टी, ये भी टी, क्योंकि टेंशन तो टी है तो टी टी आप लिख लीजिए। तो एक सेगमेंट, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो छः सेगमेंट जो हैं जो स्ट्रिंग के वो सपोर्ट कर रहे हैं इस लोड W को। तो W हमारा किसके बराबर आ गया, जो सिक्स सेगमेंट हैं यानी कि सिक्स इंटू टी के बराबर आ गया। तो W हमारा ये रहेगा क्योंकि W को सपोर्ट कर रहे हैं ये छः सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग। तो T को आप क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू T है, तो W इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं 6P। तो 6P आपने, ये W इक्वल टू 6P आ गया। और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, W बाई P। तो यहाँ पे जो W है तो आप इसको लिख सकते हैं 6P, और डिवाइड बाय जो है आपका P, ये तो P ही रहेगा, तो W को आपने लिख लिया 6P। तो जब आप इसको कटआउट करेंगे तो आपको मिलेगा 6। तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आई आपके पास 6। तो यहाँ से जो मैकेनिकल एडवांटेज है इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर आप आइडियल सिस्टम की बात करते हैं यानी कि फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करते हैं, तो जो वेलोसिटी रेशो होता है वो हमेशा होता है मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल टू, और मैकेनिकल एडवांटेज आई है 6, तो वेलोसिटी रेशो भी आपका हो जाएगा 6। तो इस तरह से देखिए आपने मैकेनिकल एडवांटेज और जो वेलोसिटी रेशो है वो आप निकाल सकते हैं सेकंड सिस्टम ऑफ पुलीज का। तो ये था एग्जांपल सेकंड, पहले हमने डिस्कस किया था एग्जांपल फर्स्ट। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।